की तुम लोग बात कर रहे थे, अभी जो यस नेक्स्ट है, सर, नेक्स्ट है वो क्वांटम कंप्यूटर होगा, क्वांटम कंप्यूटिंग चलेगा। तो वो जो है बिट्स पे काम नहीं करता, वो क्यूबिट्स पे काम करता है, क्यूबिट्स, है ना। हाली क्वांटम कंप्यूटर तुम लोग के सिलेबस में यस नहीं सर, है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये क्यूबिट्स पे काम करता है, जैसे अपना कंप्यूटर है, या तो ये जीरो पे काम करेगा या तो ये वन पे काम करेगा, यानी कि बाइनरी में काम करता है, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। यस सर, लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर से जो बनाया जा रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि जो नॉर्मल कंप्यूटर्स हैं, जो काम ये 300 ट्रिलियन ईयर्स में करेंगे, 300 ट्रिलियन ईयर्स में, अब आप समझिए 300 ट्रिलियन कितना होता है। अभी ट्रिलियन पे कुछ 2-4 महीने पहले बहुत बड़ी बहस भी छिड़ी थी, खैर उस बहस में नहीं जाएंगे हम लोग। 300 ट्रिलियन ईयर्स, इसमें जो काम होगा कैलकुलेशन, और जो क्वांटम कंप्यूटर है उसको 10 सेकंड में कर देगा। बात समझ में आई, पल्ले पड़ी कुछ? नहीं सर, नहीं समझ में आया? मतलब जैसे ऐसे समझ लो, जो काम जो है 3,000 अरब, नहीं सर, 3,000 अरब साल में जो काम होगा, जो कैलकुलेशन होगी, मतलब एक ऐसी कैलकुलेशन जिसको करने में 3,000 अरब साल लग जाएंगे, क्वांटम कंप्यूटर 10 सेकंड में कर देगा। ये रिसर्च चल रही है, आप समझ में आई? यस सर, तो ये रिसर्च बेसिकली अभी चली रही है, प्रोजेक्ट इज गोइंग ऑन, और बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनी है, गूगल है, अमेरिकन बहुत सी कंपनीज हैं, बहुत सी यूरोपियन कंपनीज हैं, चाइना की कंपनीज हैं, और ये कंपनीज और जापान की कंपनी, ये सब अक्सर जो है हर 4-4 6-6 महीने में बता देते हैं कि हमने क्वांटम कंप्यूटर बना लिया है और अब हम क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन अभी ये रिसर्च का मैटर है, अभी रिसर्च चल रही है इसमें, देखो ये हकीकत बनती है कि नहीं बनती है। क्वांटम कंप्यूटर का लुक्स देखो कैसा होता है, दिखाते हैं। दिखाई पड़ रहा है ये स्क्रीन? यस सर, ये नॉर्मल कंप्यूटर की तरह नहीं है, ये अजीब सर कंप्यूटर, ये देखो दिख रहा होगा, इस क्वांटम कंप्यूटर सर, ऐसा ही दिखता है। ये इसकी प्रोसेसिंग यूनिट है बेसिकली, ये क्यूबिट्स पे काम करता है। जैसे अपना कंप्यूटर है, जो नॉर्मल कंप्यूटर जिन पे हम लोग काम करते हैं, या सुपर कंप्यूटर में भी जो प्रोसेसर्स लगे होते हैं, या मेन फ्रेम कंप्यूटर, या मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, ये सब बाइनरी पे काम करते हैं, यानी 0101 01 पे काम करते हैं। ये क्यूबिट्स पे काम करता है, ये एक ही समय में 0 1 और 1 1 और 1 0 चारों पे काम करेगा, चारों पोजिशन पे। जैसे क्यूब होता है, क्यूब होता है, क्यूब यस क्यूब में आप एक वक्त में एक सरफेस देख सकते हैं, लेकिन अगर आप उसमें कितनी सरफेस होती हैं, क्यूब में छह होती हैं, सर, छह होती है यस ना, सर, अरे डाइस का लूडो, लूडो होता है ना, छह ही तो होता है, 1 2 3 4 5 6, छह सरफेस होती हैं। तो आप एक वक्त में एक सरफेस आपके सामने आती है, तो क्वांटम कंप्यूटर जो काम कर रहा है, वो 6 की 6 सरफेस एक साथ सामने आ जाएगी, तो कैलकुलेशन बिकम फास्ट। ये कुछ रिसर्च चल रही है, अभी एग्जैक्टली क्या है ये रिसर्च का चूंकि मैटर है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं कि कोई दूसरा कंट्री उस रिसर्च के कॉन्सेप्ट को ना पा जाए। इसीलिए इसके बहुत ज्यादा तुम अगर नेट पे भी पढ़ोगे ना, तो बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं समझ में आएगा कि एक्चुअली कर क्या रहे हैं, क्योंकि ये रिसर्च का मैटर है ना, अभी चल ही रहा है, तो जहां जहां से इंफॉर्मेशन लीक होती है तो इंटरनेट पे आना शुरू हो जाती है। तो भी एग्जैक्टली नहीं पता है कि ये इसमें क्या करना चाह रहे हैं, क्या मैकेनिज्म लगाएंगे जो 3,000 अरब सालों का कैलकुलेशन 10 सेकंड में हो जाएगा। तो अभी इस पे वर्क चल रहा है बेसिकली, बात समझ रहे हो ना। जब ये वर्क हो जाएगा, तब इसकी, यस तब दे रिवील द सीक्रेट ऑफ वर्किंग बिहाइंड द क्वांटम कंप्यूटिंग। अभी जो भी क्वांटम कंप्यूटिंग पे हम लोगों को पेपर्स मिलेंगे, पेपर रिसर्च पेपर मिलेंगे, या लिटरेचर मिलेगा ऑनलाइन, तो वो सिर्फ लीक लिटरेचर्स मिलेंगे, या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई चीजें वो मिलेंगी, अभी एग्जैक्टली फिनोमेना या वर्किंग नहीं मिलेगा हम लोगों को। इस तरह की फोटो कभी गूगल वूगल लॉन्च कर देते हैं कि ये चल रहा है और हमने कर लिया है और अब क्वांटम पे हम काम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज है।
ओके चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्लास. हम लोग स्टार्ट करते हैं आज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पर. हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. हेडिंग डाल लो डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर. हेडिंग जो आप डालेंगे ना वो डालेंगे डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर. अच्छा एनालॉग कंप्यूटर बताने वाले थे, चलो पहले यही पढ़ लेते हैं फिर एनालॉग कंप्यूटर. हाँ ये अच्छा याद दिला दिया, एनालॉग कंप्यूटर नहीं एनालॉग डिवाइसेस ना. चलो ये अभी डिवाइसेस मत डालो, ऐसा डालो डिवाइसेस बेस्ड ऑन सिग्नल्स. एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर. यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आप यहाँ पे और एक चीज और भी लिख सकते हैं, क्या हेडिंग में ऐसे भी लिख सकते टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. तो यहाँ पर ये जो टाइप ऑफ कंप्यूटर है ये किसके बिहाफ पे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन बिहाफ ऑफ सिग्नलिंग, सिग्नलिंग के बिहाफ पर. बेसिकली कंप्यूटर क्या है, हमने आप लोगों को पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कंप्यूटर कैलकुलेशन ही तो करता है. ठीक है, बेसिकली कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर परफॉर्म कैलकुलेशन. एक सेकेंड, अभी स्क्रीन आ रहे, अभी स्क्रीन नहीं आ रही थी ना, सही आ रहा है स्क्रीन. विकास मौर्य, हाँ ये पहले ही स्क्रीन है, अभी हमने बस थोड़ा लेट हो गया, हमने भी लेट से ही शुरू करा, हमका विकास अभी आया नहीं है तो थोड़ा लेट से शुरू करें, तुम्हारा वेट ही कर रहे थे, अगर तुम आ जाओ तो शुरू करें तो. भाई ये पहला ही स्क्रीन है, टेंशन मत लो. आ तो रहा है सर, आ तो रहा है तो वेरी गुड, हमें लगा नहीं आ रहा है. ओके, तो कंप्यूटर इज व्हाट, कंप्यूटर इज अ कैलकुलेटिंग डिवाइस. ठीक है, तो ऑन बिहाफ ऑफ कैलकुलेटिंग डिवाइस, ऑन बिहाफ ऑफ या ऑन द बेसिस ऑफ calculating device, on the
बेसिस ऑफ कैलकुलेटिंग डिवाइस कंप्यूटर इज डिवाइडेड इंटू थ्री कैटेगरी, थ्री कैटेगरीज, ओके। और वो तीन कैटेगरी क्या है? वो तीन कैटेगरी आपकी ये, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। इसको लिख लीजिए, अब आइए हम लोग पहले समझते हैं कि एनालॉग डिजिटल होता क्या है, फिर हाइब्रिड समझेंगे, ठीक है। ये लिख लिया, हो गया सर, ओके। अब यहां पर एक चीज समझो कि जो एनालॉग है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है वो कहलाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड माने होता है, हाइब्रिड मींस होता है मिक्स कर देते हैं, या यहां ये भी हो सकता है हाइब्रिड का मतलब बोथ क्वालिटी। जैसे इंसानों की अगर हम लोग बात करें, हम लोग अपनी बात करें, तो हम लोगों में अपने अंदर अपने पेरेंट्स की कुछ खूबियां होंगी, कुछ मम्मी की खूबी होगी, कुछ फादर की खूबी होगी, कुछ दादा की होगी, कुछ दादी की होगी, कुछ नाना की होगी, कुछ नानी की होगी, तो हम लोग हाइब्रिड हो गए। बात समझ में आ रहे हैं? जैसे मिश्रण, हाँ, अरमान अली स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। तुम एक काम करा करो अरमान, तुम 11 बजे से पहले ही ट्राई करा करो, है ना। कभी ऐसा होता है कि आप अगर टाइम से थोड़ा एक दो मिनट पहले ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। टाइम से थोड़ा पहले आप ट्राई करते रहा करिए तो हो जाएगा। बाकी सबको आ रहा है तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जिस तरीके से हम लोगों में हाइब्रिड, हम समझा रहे हैं हाइब्रिड किसे कहते हैं, अभी कंप्यूटर भूल लो, हाइब्रिड किसे कहते हैं, तो हमने यहाँ बताया कि हाइब्रिड उसे कहते हैं जिसमें क्या हो, जिसमें कई चीजों की खूबियां हो। तो यहाँ पर अब ये जो हाइब्रिड है इसमें क्या होगा, हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसा होगा विच has quality of both, both का मतलब दोनों, यानी हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल दोनों होगा। तो एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर को मिला करके जो कंप्यूटर बनेगा वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाएगा। अब आइए समझते हैं एनालॉग कंप्यूटर क्या है और डिजिटल कंप्यूटर क्या है। जब ये हम समझ लेंगे तो इजिली समझ में आ जाएगा। आप सभी ने एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों को आपने देखा है। अब आप कहेंगे अरे ये क्या कह रहे हैं सर, कभी नहीं देखा है। अब हम बताते हैं कैसे देखा। डिजिटल कंप्यूटर तो आपके सामने है, जो लैपटॉप है, जो डेस्कटॉप है, ये सभी डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है। अब आपने एनालॉग भी देखा है। एनालॉग कैसे देखा है बता रहे हैं आपको, समझिए पहले एनालॉग और डिजिटल।
एक सेकंड, इसको हम जरा स्क्रीन को नोट्स में कन्वर्ट कर दें, बस इट टेक्स फ्यू मोमेंट. ओके हो गया. तो यहाँ पर एनालॉग, पहले एनालॉग समझते हैं कि एनालॉग, सिर्फ एनालॉग को समझते हैं कि एनालॉग होता क्या है. ठीक है ना, एनालॉग किसे कहते हैं? कोई भी चीज जब अपने कंटिन्यूअस मोशन में होती है, जैसे ऐसे ये कंटिन्यूअस, कोई भी चीज, ये टाइम हो, इट कुड बी टाइम, इट कुड बी स्पीड, ठीक है, इट कुड बी प्रेशर, इट कुड बी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एनी मैकेनिक्स, किसी भी तरह का मैकेनिक्स जब अपने कंटिन्यूअस मोशन में होता है उसे हम एनालॉग कहते हैं. ठीक है, कंटिन्यूअस मोशन. इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपने, आपके पास में जैसे मान लीजिए ये वॉच है और एक वॉच ये, एक वॉच आपने देखी होगी जिसमें जो आप लोग पहनते होंगे उसमें वो वाली वॉच, नीडल वाली वॉच, ठीक है, उसमें नीडल बनी होगी. हम यहाँ पर नीडल बना लेते हैं, ये देखिए, वाह भाई वाह, वॉच बन गई. ठीक है, और एक वॉच आप लोगों ने जो देखी होगी वो कुछ ऐसे होगी, जैसे हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा तो नहीं बनेगा लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है, ये ठीक है ना. अब इसमें आपको ये वाली जो वॉच है, इन दिस वॉच यहां पर जो मोशन है, मतलब एनालॉग डिजिटल का कॉन्सेप्ट हम समझा रहे हैं, यहां कॉन्टिन्यूअस मोशन है, कॉन्टिन्यूअस मोशन. ठीक है, जब भी आप इस घड़ी में टाइम देख करके बताएंगे आप एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे आप, लेकिन ये बेसिकली टाइम तो एग्जैक्ट दे रही होगी, दोनों लोग, दोनों सेम है, दोनों वॉच सेम है, बस इसमें क्या फर्क है, इसमें जब भी टाइम होगा वो जीरो से लेकर के नाइन के बीच में होगा, या जैसे आप कहेंगे कि 10:01 हो रहा है, 10:02 हो रहा है, 10:02:03 हो रहा है, ऐसे बता सकते हैं, इसमें नहीं बता पाएंगे आप, क्योंकि इसमें जो मोशंस हैं वो कैसे मोशन है, वो मोशन है, इन, इस मोशन को कहते हैं डिस्क्रीट मोशन, डिस्क्रीट मोशन. तो कंटिन्यूअस मोशन वाले सिग्नल्स को हम एनालॉग सिग्नल्स कहते हैं. तो ये हमारा हो गया एनालॉग, उसको हम कहते हैं एनालॉग. और इसको हम कहते हैं डिजिटल, जो डिस्क्रीट सिग्नल्स होते हैं. ठीक है, यानी कि इसमें डिजिटल में अगर आप कंप्यूटर की बात करें तो जीरो होगा या वन होगा, ऐसा नहीं होगा 0.1 0.2 0.3 0.4, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, जीरो होगा या तो वन होगा. ठीक है ना, और जो कंटिन्यूअस मोशंस होते हैं इसमें क्या हो सकता है, कंटिन्यूअस मोशन में
वन भी हो सकता है, 1.1 हो सकता है, 1.2 हो सकता है, 1.3 हो सकता है, 1.7 हो सकता है, 1.8 हो सकता है, ठीक है, 1.9 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो ये कंटिन्यूअस मोशन होते हैं, ठीक है ना। ये मोशन कैसे है? कंटिन्यूअस मोशन। और ये वाला मोशन कैसे है? डिजिटल मोशन। अब बताओ ये चीज समझ में आई या नहीं समझ में आई ईमानदारी से? रितेश पांडे, वोल्टेज मीटर, हाँ बिल्कुल, वोल्टेज मीटर, ओल्ड टेलीफोन, वेरी गुड, ये सब एनालॉग है। ये समझ में आ गया एनालॉग और डिजिटल? क्लियर है, ठीक है। तो अब यहां पर एक चीज देखो, अब इस स्क्रीन को हम हटा रहे हैं, ठीक है, ये स्क्रीन अब हट रही है, दूसरी स्क्रीन आएगी। जैसे फीवर है, अब फीवर को मेजर करने के लिए दो तरह की डिवाइस आती हैं। एक तो नॉर्मल थर्मामीटर होता है, यानी कि जिसमें वो मरकरी लगा होता है ना, नॉर्मल, थर्मोमीटर, और एक होता है डिजिटल। इसमें जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू जो है आपकी कंटिन्यूअस मोशन की वैल्यू होगी, और इसमें जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट आएगी। जैसे इसमें ऐसे बताएगा 97.8 ऐसा बताएगा, ठीक है, और इसमें जो वैल्यू आएगी वो ऐसा बता सकता है 97.859, मतलब रीडिंग इस तरह की कुछ आएगी, जबकि डिजिटल में रीडिंग ऐसी आएगी। जैसे आपका बाइक है, तो बाइक में जो स्पीडोमीटर लगा होता है, आप लोगों ने देखा होगा बाइक में स्पीडोमीटर लगा होता है, ठीक है, एक तो शो करता है उसका आरपीएम यानी रोटेशन पर मिनट, ठीक है, और एक शो करता है उसका स्पीड। तो स्पीडोमीटर भी दो तरह के आते हैं, एक तो सुई वाला आता है, निडिल वाला जिसमें निडिल होती है, और एक टाइमर वाला आता है यानी डिजिटल। ये भी दो होते हैं जो स्पीडोमीटर है, ये भी अब दो आने लगे। अब लेटेस्ट बाइक में डिजिटल भी आती है, और कुछ बाइक्स ऐसी होती हैं जिसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों मीटर लगे होते हैं, और स्पीडोमीटर एनालॉग भी होता है। खूबसूरती बरकरार रखने के लिए एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, यानी कि उसमें जो बाइक्स में आप हाइब्रिड भी देखेंगे, आप बहुत सी बाइक्स आप देख लीजिए, आपके चारों तरफ बाइक्स होंगी तो उसमें हाइब्रिड होंगी, यानी कि उसमें सुई वाला भी मीटर लगा होगा और डिजिटल क्लॉक वाला भी मीटर लगा होगा, तो दोनों मीटर लगे होंगे, तो वो हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर्स हो गए, ठीक है ना। इसी तरह का मिक्सिंग प्लांट्स वगैरह आता है, वो सब जो है हमारे उसमें कंप्यूटर और हाइड्रोलिक्स वगैरह जहां पर यूज होता है, ठीक है, वो सब हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर्स हो जाते हैं। और जो एनालॉग हो जाते हैं जैसे बैरोमीटर, थर्मामीटर, स्फैग्नोमीटर, और आपका जो है वो होता है डिवाइसेस में अगर हम लोग देखें तो, एक सेकेंड, कुछ डिवाइसेस के नाम लिखते हैं यहाँ पर हम लोग, लाइक जैसे जैसे बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है, बीपी इंस्ट्रूमेंट, ये आपके डिजिटल भी आते हैं और हाइब्रिड भी होते हैं, दोनों होते हैं। अब आजकल लोग डिजिटल यूज करने लगे हैं, ठीक है ना, तो पहले तो ये एनालॉग आते थे, अभी भी एनालॉग आते हैं, डॉक्टर्स के पास आप जाएंगे ना तो वो एनालॉग बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको स्फैग्नोमैनोमीटर भी कहते हैं।
यहाँ पर लिख लीजिए डिजिटल, दोनों आते ही हैं ठीक है, डिजिटल और पल्स इंस्ट्रूमेंट। जो पल्स इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये भी दोनों में आते हैं। पल्स इंस्ट्रूमेंट में जो आपका इलेक्ट्रॉनिक आता है इसको आप जो है इससे क्या कहते हैं इसको, एक सेकेंड, ऑक्सीमीटर। हाँ ऑक्सीमीटर, ऑक्सीमीटर ये डिजिटल होता है, ये मार्केट में मिलता है पल्स डॉक्टर्स के पास। अब आजकल ये रहता है, पहले डॉक्टर नाड़ी पकड़ के, नब्स पकड़ के पल्स को देखते थे है ना, तो एक मिनट में करीब 72-75 पल्स होती है, नॉर्मल पल्स कहलाती है वो। अगर आप थोड़ा दौड़ भाग के आएंगे तो वो पल्स 80 से 85-90 पहुंच जाती है, लेकिन 90 से 95 से ऊपर अगर पल्स रहेगी तो इट्स मैटर ऑफ वरी, तब ये चिंता का विषय हो जाएगा ठीक है। और इसको पल्स इंस्ट्रूमेंट में जो नाड़ी पकड़ के करते थे वो स्टेथोमीटर होता है, या स्टेथोस्कोप भी कहते हैं उसको, स्टेथोस्कोप। ये हमारा एनालॉग होता है, जहां कंटिन्यूअस सिग्नल्स आएंगे ठीक है। यहाँ डॉक्टर बताएगा कि भाई आपको जो पल्स है वो 75, 76, 77 ऐसे चल रही है, इसमें एग्जैक्ट बता देगा, एग्जैक्ट लिख करके आ जाएगा कि 75 लिख के आ जाएगा एग्जैक्ट, इसमें बताएगा 75 से 79 है, यानी कि कुछ भी इसके बीच की वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ कंटिन्यूअस मोशन यूज होता है ठीक है ना, और उसको बीपी मशीन जो होती है उसको कहते हैं स्फैग्मोमैनोमीटर। जो बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है, जो एनालॉग होता है, उसको कहते हैं स्फैग्मोमैनोमीटर। ये इसको ठीक है, और डिजिटल वाला भी इंस्ट्रूमेंट आ गया है, बीपी इंस्ट्रूमेंट ठीक है ना। और जो डायबिटिक के लिए जो यूज होता है, डायबिटिक के लिए, तो डायबिटिक के लिए डिजिटल भी यूज होता है, एनालॉग भी यूज होता है। डिजिटल में जो डायबिटिक चेक मशीन होती है, एक्वा चेक करके बहुत सारी मशीन्स आती हैं, और ये जो है इसमें जो है स्लाइड से चेक होता है, यानी कि ब्लड को स्लाइड में लेकर के माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप यूज होता है इसमें, तो वो एनालॉग हो गया माइक्रोस्कोप ठीक है ना।
उसको कहते हैं ग्लूकोमीटर, मेडिकल टर्म है। डायबिटिक मशीन जो है ये होता है आपका ग्लूकोमीटर, ठीक है। अब ये आपका, इसको देखो, जो आपका मशीन होती है, ये स्क्रीन दिख रहा है आपको, ये कुछ इस तरह की जितनी भी डिवाइसेस दिखेंगी वो एनालॉग डिवाइसेस है, जिसमें निडिल इस तरह की चीज़ें रहे वो एनालॉग है। या ऐसा, ये देखो एग्जांपल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर, ये एनालॉग कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं। इस तरह की जो इसमें चीज़ें रहती हैं वो एनालॉग कंप्यूटर्स, ऐसा ये मीटर लगा हुआ, ये पूरा एनालॉग मशीन ही है पूरी। इसमें वाल्व्स लगे हैं यहाँ पर, ऊपर ऊपर वाली रो में आप देख सकते हैं। ये स्पीडोमीटर है, इसमें डिजिटल भी है, ये देखिए इसमें डिजिटल भी दिख रहा है और नीडल वाला भी दिख रहा है, तो ये दोनों का मिक्सचर है। इसमें डिजिटल भी है और सुई वाला भी है। ये कुछ इस तरह का रेडियो मशीन या एम्पलीफायर्स वगैरह जो आते थे वो हमारे एनालॉग ही हुआ करते थे, अब तो सब डिजिटल आ गया। एनालॉग में जनरली वॉल्स वगैरह यूज होते हैं आज भी, अभी कभी कहीं कहीं वो यूनिक किसी चीज़ में दिख जाएगा, वरना अब तो सब डिजिटल आ गया है। ये देखिए मशीन इस तरह से हमने आपको दिखाया था, वॉच है ये वॉच, इस तरह की जो वॉच होंगी वो एनालॉग होगा, जो इस तरह का नंबर देगा वो डिजिटल होगा, ठीक है। ये बता रहा, जो हमारी वॉइस होती है, जो हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग समझते हैं, सब एनालॉग में समझते हैं, कंप्यूटर में सब डिजिटल में जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, हम लोग जो भी बोल रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, वो सब एनालॉग में जाता है और अंदर कन्वर्ट उसको कर देता है 010101, यानी कि डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर देता है। पुराना रेडियो भी, हाँ बिल्कुल, पुराना जो रेडियो है वो भी एनालॉग मशीन है आपका। और जो ये प्लांट मिक्सिंग वगैरह, जो सीमेंट मिक्सिंग प्लांट है या पेंट वगैरह तैयार होता है, जो पेंटिंग, ये भी आप इसको भी लिख लीजिए, पेंट वाले को लिख लीजिए पहले, 1 मिनट, यहाँ पर एक चीज़ और लिख लीजिए, जो पेंट मिक्सर, जो अक्सर पेंट शॉप पे आपको मिलेगा, ये बेसिकली होता है हाइब्रिड, क्योंकि इसमें मशीन्स भी लगी होती हैं और कंप्यूटर भी लग, कंप्यूटर से डेटा प्रोसेस हो जाता है और प्लांट मिक्सिंग प्लांट कलर को मिक्स कर देता है, कलर मिक्स करने के लिए होता है ये पेंट मिक्सर, मतलब कलर मिक्स करने के लिए। और अगर आप देखेंगे जो सीमेंट, सीमेंट मिक्सर जो होता है, सीमेंट मिक्सर प्लांट पूरा, वो भी हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, हाइब्रिड, ठीक है। सीमेंट मिक्सिंग में कंप्यूटर से डेटा को प्रोसेस किया जाता है और जितनी भी मशीन्स हैं वो, जो एनालॉग मशीन्स उसमें लगी रहती हैं, वो चलने लगती हैं और सीमेंट को मिक्स करती हैं। कंप्यूटर डेटा प्रोवाइड करता है, कंप्यूटर का जो डिजिटल का काम है डेटा को प्रोसेस करना, प्रोसेस करके फिर आगे वो काम करता है। जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में होता है, बहुत सी मशीन्स लगी रहती हैं, एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये हाइब्रिड है, यहाँ पर दिख रहा है, द कंप्यूटर विच हैव क्वालिटीज ऑफ बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर आर कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर हैज द स्पीड ऑफ एनालॉग एंड द एक्यूरेसी ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, यानी एनालॉग स्पीड से तो वो काम करेंगे लेकिन उसमें जो एक्यूरेसी होगी वो किसकी होगी, डिजिटल कंप्यूटर की होगी। जैसे कुछ इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जिसमें हाइब्रिड और डिजिटल दोनों, या ऐसा कुछ, ये भी पूरा आपका हाइब्रिड डिजिटल एनालॉग कंप्यूटर है, पहले के हैं ये, अभी का लेटेस्ट ये जो आपका आईसीयू वगैरह रहता है ना, उसमें डिजिटल हाइब्रिड दोनों रहता है, उसमें पूरी मशीन्स जितनी भी रहेंगी वो एनालॉग रहेंगी। जैसे ये मशीन पे आपको किसी पर्सन को लिटा दिया, तो ये मशीन आगे पीछे होगी एनालॉग मैकेनिज्म से, लेकिन इसको डेटा प्रोवाइड कराएगा कंप्यूटर के, कितना आगे होना है कितना पीछे होना है। जो ये इसके, इन मशीनों के जो मूवमेंट होंगे, हाइड्रोलिक्स के जो मूवमेंट होंगे यहाँ पर, वो एनालॉग विधि से होगा, एनालॉग मैकेनिज्म से, लेकिन वो कितना होगा वहाँ डेटा प्रोवाइड कराएगा हमारा कंप्यूटर। तो ये हमारी पूरी हाइब्रिड मशीन है ये बेसिकली, जो हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज होती है। तो इसमें हाइब्रिड में कंप्यूटर भी लगे हुए हैं मशीनों को ऑपरेट करने के लिए, मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है।
ये चीज है। जैसे अभी क्रेन वगैरह है वो देखिए पूरी रिमोट कंट्रोल से एक्सेस होती है, रिमोट से एक्सेस होती है। जो केबलिंग वायर केबलिंग मशीन्स होती हैं जो केबलिंग करती हैं, वो भी एक हाइब्रिड का बहुत बढ़िया एग्जांपल है। केबलिंग मशीन, वो केबलिंग किसमें करती हैं? सड़क पर, सड़क पर तो तार भी